चमन लाल महाविद्यालय में 74वां गणतंत्र दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रथम चरण में महाविद्यालय संस्थापक पंडित ईश्वर चंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया एवं वीर अमर जवान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के सभागार कक्ष में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री राम कुमार शर्मा ने माँ सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति थी। आपको बता दें कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान तमाम देशभक्ति गीतों ने सबका मन मोह लिया, जिसमें अंशुल, नितिन, इल्मा और गुहर ने अपने देशभक्ति गीतों से वीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा वैष्णवी, गौरव एवं अंकुर ने सामूहिक नृत्य में समा बांधा। योग के माध्यम से भी छात्र छात्राओं ने अपनी भव्य प्रस्तुतियां दी। साथ ही महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर दीपा अग्रवाल ने बताया कि आगामी महीने में नीक की टीम महाविद्यालय को विजिट करेगी, जिसके दृष्टिकोण से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति नीक की टीम के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। चमनलाल महाविद्यालय परिवार में और इस प्रांगण में आज 26 जनवरी पर अनेकों कार्यक्रम किए गए। छात्र छात्राओं द्वारा एनसीसी कैडेट द्वारा परेड की गई। वह छात्र छात्राओं को बताया गया कि अपना जो संविधान है इसका पालन कैसे करना है, वह जो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनका पालन करना सभी को चाहिए। बहुत ही उत्कृष्ट बच्चों ने प्रस्तुति दी, सभी को मैं बधाई देता हूँ।